हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिटचैट विद नीलम। आज मैं आप लोगों के साथ अपना गार्डनिंग का शेयर करने जा रही हूँ। तो शाम का समय हो रहा है, मैं शाम के समय मोस्टली अपने जो प्लांट्स हैं ना वो रिपोर्ट करती हूँ। वैसे तो मानसून सीजन में आप दिन में भी अपने प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है और ये देखिए, ये पूरी मिट्टी में इसकी जड़ें भर गई हैं, सारी रूट बॉन्ड हो चुका है ये प्लांट बिल्कुल ही, ये देखिए। और इसके अलावा ना इस गमले में कितने सारे सुलेशिया उगाए थे, कॉक्सकॉम कहते हैं इनको, तो मेरे को इनको भी निकाल के सेपरेट करना था, इसलिए भी मैंने अपने इस प्लांट को जो है ना निकाला है और इसको मैं थोड़े से बड़े गमले में अब शिफ्ट करूंगी। तो इसको इसमें से निकालना बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए, बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था बिल्कुल। जड़ों ने ना बहुत अच्छी तरीके से गमले को पकड़ा हुआ था, बहुत ही मुश्किल से ये बिना रूट को डिस्टर्ब करे ये प्लांट मैंने अभी इसमें से निकाला है। तो अब जो है मैं इसको इसमें से अलग अलग करूँगी, पहले तो बहुत आराम से इसको हम अलग अलग कर लेंगे इसमें से, ये वाले जो हमारे छोटे छोटे से सुलोशिया के प्लांट्स हैं, ये देखिए। ये देखिए कितने सारे सुलोशिया के प्लांट्स हैं ना, इसकी भी जड़ें बिल्कुल नीचे तक गई हुई हैं और पूरी मिट्टी को ना कवर कर लिया इन्होंने, ये देखिए, जिसके कारण मेरे हिबिस्कस के प्लांट की जो ग्रोथ ना वो बिल्कुल रुक गई थी। इसको मिट्टी को लूज करके सारे प्लांट्स को हम धीरे धीरे से निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे हिबिस्कस के प्लांट को भी करना है लगाना है दूसरे गमले में, और ये जो सुलोशिया के प्लांट्स हैं ना ये भी सारे अलग अलग गमलों में लगाने हैं। तो ये देखिए, ये सारा हम इसको लूज कर करके धीरे धीरे से इस तरीके से हमारे जो है ना प्लांट्स अपने आप निकल के आने लग जाएंगे। रूट बॉन्ड होने के बाद ना जो प्लांट होता है ना, एक तो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होती उसकी, फिर और क्या होता है, फ्लावर्स भी बड़े छोटे छोटे आते हैं और कम आते हैं। तो प्लांट्स की जब हम रिपोर्टिंग कर देते हैं ना, तो हमारा प्लांट जो है और दोबारा से अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ लेता है, फ्लावर्स भी फिर अच्छे आते हैं। अगर हम मानसून सीजन में नहीं कर रहे होते हैं, वैसे किसी सीजन में हमें करना होता है तो हमें बिल्कुल भी इसकी रूट्स को डिस्टर्ब किए बिना ये काम करना होता है, लेकिन इसमें मानसून सीजन है, हम आराम से इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये हमारे सुलेशिया के प्लांट्स वगैरह, पहले तो मैं इनको अलग अलग करूँगी। ये देखिए कितने सारे सुलेशिया के प्लांट्स अलग अलग हो गए हैं सारे। ये देखिए अब ये है हमारा हिबिस्कस का प्लांट, कुछ मिट्टी भाप दूंगी मैं। इसके कुछ रूट्स भी जो है ना ये निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, अब मैं इसको दूसरे गमले में रिपोर्ट करूँगी। और ये देखिए, ये जो है कितने सारे मेरे सुलोशिया के प्लांट तैयार हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इनकी भी जड़ें जो है ना कितनी, ये नीचे नीचे तक गई हुई थी, कितनी बड़ी बड़ी जड़ें इनकी हो गई हैं इन प्लांट्स की। अब इसका सीजन आएगा, इसमें फ्लावरिंग होगी, तो मैं इसको जो है ना अलग अलग गमले में सब कुछ कर दूँगी, लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी ये बड़ा गमला है थोड़ा इससे, और इसमें जो है ना मैंने मिट्टी पहले से ही मिला के रखी हुई है, जिसमें कि मैंने वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सैंड और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर ये मैंने नीचे डाल दिया है इसमें। और अब हम इसमें अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। शाम का समय ना बिल्कुल सही रहता है प्लांट्स लगाने के लिए वैसे, क्योंकि अगर दिन में धूप ऊप भी निकल आती है ना तो ये दिक्कत नहीं होती कि प्लांट हमारा धूप में रखा हुआ है, क्योंकि 3-4 दिन तक ऐसा होता है कि प्लांट को ना थोड़ा सा छाया में ही रखना चाहिए। फिर और इसमें मैं साइड साइड में थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भर रही हूँ, साइड साइड में जड़ों से, जड़ों के किनारे किनारे, और फिर मैं इसके ऊपर से मिट्टी भर दूंगी। फंगीसाइड पाउडर मैंने इसमें पहले से ही ना मिला लिया था। अब जो है ये वाली मिट्टी, अब इसमें मेरे हस्बैंड मेरा साथ दे रहे हैं, वो मेरे गमले को तैयार करवाने में पूरी पूरी हेल्प कर रहे हैं मेरी, तो मिट्टी भर रहे हैं वो इसमें। और अभी मैं इसमें और कोई खाद नहीं दूंगी, बस इस तरीके से मैंने अपने अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर ली है। अभी मैं इसको वाटरिंग कर दूंगी,
अब इसमें और कोई सी भी खाद नहीं दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये गमला जो है, ये प्लांट जो है मेरा लग गया है। अगर कल जो है धीरे धीरे बारिश होती रही ना, हल्की हल्की सी अगर बारिश होगी तो बिल्कुल ही मैं गमलों के साइड में इसको रख दूंगी, कि इसमें बहुत ही हल्की फुल्की सी फुहार जो है ना वो पड़ती रहे, बहुत ही हल्की फुल्की सी। तेज़ बारिश के नीचे इसको नहीं रखूंगी। और अगर धूप हुई तो धूप से भी मैं इसको बचाऊंगी अभी 2-3 दिन, क्योंकि दिन में बारिश होने के बाद ना दिन में धूप बहुत तेज़ निकलती है एकदम चटक, तो धूप से भी अभी मैं इसको कम से कम 3 दिन तक तो बचाऊंगी, ताकि ये जो हमारा प्लांट है ना ये मिट्टी में अच्छे से सेटल हो जाए। तो मेरी इस प्लांट की जो है रिपोर्टिंग हो गई है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें ना नीचे मिट्टी और मिट्टी में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला के, मिट्टी तो बनी हुई थी ऑलरेडी लेकिन मैंने फिर भी इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला है, और इसके अलावा मैंने इसमें फंजीसाइड पाउडर ऐड किया है। अब हम इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स ये प्लांट भी लग गए हैं। इसी तरीके से मैं अपने सारे प्लांट्स जो हैं गमलों में लगा लूंगी, और फिर लास्ट में इन सबको वाटरिंग कर दूंगी और रखूंगी इनको उसी तरीके से जैसे हिबिस्कस के प्लांट के साथ करूंगी, कि अगर बारिश होगी तो बहुत ही हल्की फुल्की सी बारिश के लिए, बारिश में मैं बिल्कुल साइड्स में इनको रख दूंगी, अदरवाइज मैं इनको धूप होगी तो धूप से बचा के इनको अलग रखूंगी इन प्लांट्स को। और 3-4 दिन बाद जब ये सेटल हो जाएंगे तभी मैं इन प्लांट्स को जो है ना नॉर्मल तरीके से रखूंगी, अभी तो मैं इन प्लांट्स को बिल्कुल साइड से रखूंगी। फ्रेंड्स इसके लिए मैं अपने इस प्लांट के लिए ना ये वाले गमले इसलिए यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले जो प्लांट होते हैं परमानेंट तो होते नहीं हैं, ये प्लांट जो हैं फ्लावर्स देंगे उधर आपके अक्टूबर नवंबर तक फ्लावर्स देते हैं, उसके बाद क्या होता है ये प्लांट जो है ना जाना शुरू हो जाता है, डाई हो जाता है ये प्लांट, तो इसलिए इसको इसी गमले में लगा दूंगी मैं। इसमें भी अच्छे से चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें प्लांट नहीं चलेगा, मेरे इसी गमले में लगे हुए थे, मेरे पास केवल 2 प्लांट थे और सीड से ये अपने आप इतने सारे प्लांट्स तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अपने सारे गमलों को तैयार कर लूँगी, और जो भी अपडेट होगी फिर प्लांट्स की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लांट्स की अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से प्लांट्स के विषय में नई नई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ पाने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।